मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और वो है यूनिट नंबर 8, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड कंपाइलर्स, जिसको हम लोग ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसके हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस मिल जाएंगे ऑटोमेटा थ्योरी पर बेस्ड, लेकिन क्या है वो एक तो इंग्लिश में है और दूसरा उनकी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोग फिर से उसको रिक्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को काफ़ी हेल्प होगा इससे। ठीक है, और ये पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि ऑटोमेटा थ्योरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है, जिसके बिना नेट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ऑटोमेटा थ्योरी और कंपाइलर पे बेस्ड, और ऑटोमेटा थ्योरी और कंपाइलर के क्वेश्चंस को वो कभी कभी डिजिटल के क्वेश्चन के साथ भी कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो जनरली जिनको आइडिया ना उनको पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आए। और हमारे आप देख सकते हैं कि हमारे जो जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं एंड में, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अपने मास्टर डिग्री से पहले ही क्वालिफाई करते हैं, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में ऐसे, तो उन लोगों का ऑटोमेटा में अगर ऑटोमेटा में 12 क्वेश्चन आए थे तो उनमें से 11 क्वेश्चन उनके सही हुए थे। तो ये है ऑटोमेटा की इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब अगर हम सिलेबस की बात करें यूजीसी नेट की, क्योंकि गेट के और यूजीसी नेट के सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, गेट में लिखा कम रहता है पूछा ज्यादा जाता है, और नेट में क्या है वो लिखा ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम लाइन मैंने इन सिलेबस को देखें तो ये मेरे हाथ में ये सिलेबस है, ये करीब मोटा मोटी एक पेज का सिलेबस है, और गेट का पूरा ही सिलेबस एक पेज का या सवा पेज का होता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं डिफरेंस। तो हम लोग बेसिकली अभी बात कर रहे हैं कि ऑटोमेटा थ्योरी में क्या क्या पढ़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटा और कंपाइलर मिला दें तो ये काफी एक बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है, और ये दोनों हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो पहला इसमें लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन, फॉर्मल लैंग्वेजेस, नॉन कॉम्पिटिशन प्रॉब्लम्स, डायगोनल आर्गुमेंट्स, रसल्स पैराडॉक्स। नाउ फॉर्मल लैंग्वेजेस ये आपको ऐसे भी पढ़ना है, नॉन कॉम्पिटिशन प्रॉब्लम ये आपका पीएनपी वाले में आ जाता है सेक्शन, और डायगोनल आर्गुमेंट्स एंड रसल्स पैराडॉक्स, तो डायगोनल आर्गुमेंट में जनरली आपको तब मिलेंगे जब आप रिकर्सिवली इनुमरेबल और रिकर्सिव लैंग्वेजेस के बारे में देखेंगे, नॉट ऑल रिकर्सिव लैंग्वेज, कुछ थ्योरम्स हैं उनमें। ठीक है, तो अगर आपको ये फैमिलियर नहीं होंगे तो अगर मैं बताऊंगी तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा वियर्ड लगेगा, इसलिए मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, अदरवाइज मैं अगर सपोज हम अभी बोलने लगे कि ये डायगोनल आर्गुमेंट में दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ये कैंटोर्स से हम लोग प्रूव करते हैं, तो फिर ये फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, नाउ दूसरा जो इसमें है पैराग्राफ में है, दूसरे पैराग्राफ में वो है रेगुलर लैंग्वेज मॉडल्स। इसमें क्या लिखा है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए एंड एनडीएफए, रेगुलर लैंग्वेजेस, रेगुलर ग्रामर्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, पॉम्पिंग लेमा, नॉन रेगुलर लैंग्वेज एंड लेक्सिकल एनालिसिस। तो ये जो यूनिट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें आप क्या लिखेंगे, डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए कैसे एक डीएफए एनएफए से डिफर करता है, कैसे किसी गिवन लैंग्वेज के लिए डीएफए डिजाइन करें, कैसे एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करें, कैसे एक बड़े डीएफए को आप मिनिमाइज करके एक छोटे डीएफए में बनाएं, मिनिमल नंबर ऑफ स्टेट्स, माहर-निरोड थ्योरम। ठीक है, माहर-निरोड थ्योरम अभी बोलेंगे तो फिर एनीवे और भी तरीके हैं उसके। फिर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन देखेंगे, ग्रामर क्या होता है वो देखेंगे, रेगुलर लैंग्वेजेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अगर हम बोले रेगुलर लैंग्वेजेस दे आर क्लोज अंडर यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंटेशन, सेट डिफरेंस। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म, राइट कोएफिशिएंट, लेफ्ट कोएफिशिएंट, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। नाउ पंपिंग लेमा भी है, ठीक है, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए कि एक गिवन लैंग्वेज है उसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये रेगुलर है या नहीं, एक्चुअली में प्रूव नहीं करते हैं रेगुलर है या नहीं, उसको हम कंट्रडिक्ट करते हैं बाय पंपिंग लेमा। ठीक है, उसके बाद लेक्सिकल में, तो यहाँ जो लेक्सिकल एनालिसिस लिखा हुआ है ये कंपाइलर का पार्ट है। ठीक है, नाउ अगला जो यूनिट है पहला है वो है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। इसमें वो लिखते हैं सर यूजीसी लिखता है इसमें पुश डाउन ऑटोमेटा, यस पुश डाउन ऑटोमेटा, देन नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स,
चोमस्की नॉर्मल फॉर्म, ग्रेबर नॉर्मल फॉर्म, एम्बिग्यूटी, पास्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव ट्रीज, डेरिवेशन ट्रीज, इक्विवेलेंस ऑफ पीडीएस एंड कॉन्टेक्स्टफुल ग्रामर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्टफुल लैंग्वेजेस। ये यूनिट में ये पैराग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो जो भी लिखा हुआ है, पोस्टग्राम ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिस्टिक पोस्टग्राम ऑटोमेटा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, चोमस्की नॉर्मल फॉर्म, ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म, एम्बिग्यूटी, पास्ट ट्री, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ जो तीसरा है, अगला जो है वो है ट्यूरिंग मशीन। इसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन एंड इट्स वेरिएशंस। तो एक ट्यूरिंग मशीन हम लोग जानते हैं, ये द मोस्ट पावरफुल मशीन है अभी तक, क्योंकि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है इट एक्ट्स लाइक ए ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, इसमें क्या है, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, मोड्स ऑफ कॉम्पिटिशन एंड चर्च ट्यूरिंग थीसिस, रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली इनिमरेबल लैंग्वेजेस जो हम पहले बात कर रहे थे उसमें, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, सॉरी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स, चोमस्की हायरार्की ऑफ लैंग्वेजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स। ट्यूरिंग मशीन के बारे में, लेकिन बीच में कुछ कुछ ऐसे चीज में पुट किए हुए हैं जिनका ट्यूरिंग मशीन से सीधे लेना देना नहीं, वो पहले ही आपको पढ़ देना था, तो यहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है कि कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। नाउ अगला है अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स एंड कॉम्पिटिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें आप देखेंगे अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, सॉर्टिंग प्रॉब्लम्स, पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, मेजरिंग एंड क्लासिफाइंग कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रैक्टेबल एंड इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एल्गोरिदम के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, एल्गोरिदम में भी हम सारे प्रॉब्लम्स के लिए एल्गोरिदम डिजाइन नहीं कर पाते हैं, देयर आर सम प्रॉब्लम्स फॉर व्हिच अभी तक हमारे पास कोई एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं है। फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, अब देखिए वो ग्राफ थ्योरी का चीज यहाँ कंबाइन हो रहा है। जैसा कि हम लोग देखे थे, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए आप स्पेसिफिक सॉल्यूशन दे सकते हैं, मतलब एक एग्जांपल दे दें कि भाई ये सिनेरियो है, अभी चला इस पे बनाइए तो शॉर्टेस्ट सूट क्या है, तो आप बता देंगे, लेकिन इन जनरल उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो अनसॉल्वेबल में आते हैं। और उसी में और बहुत सारी चीजें हैं, डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी, पी एन पी एंड व्हाट्स ऑल, ऐसे बहुत सारी चीजें जो इस वाले आपको पैराग्राफ में पढ़ने हैं। ठीक है, ट्रैक्टेबल एंड इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, मान लीजिए एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व तो कर पा रहे हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने में 50 साल का टाइम ले रहे हैं सॉल्व करने। मान लीजिए आपका कंप्यूटर भी और सॉल्व करे और 50 छोड़िए 10 साल में ही सॉल्व करे, तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं। ठीक है, सपोज कोई एनिमी जो आर्मी है वो आपसे लड़ाई के लिए आपके कंट्री पे हमला कर रही है, और उन दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को, सपोज एक ट्रूप यहाँ है एक ट्रूप वहां है 200-100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को आप ट्रैक तो कर लिए, लेकिन वो कोडेड है। अब आप सोचिए अगर आप उसको डिकोड कर पाए लेकिन कर पाते हैं 10 साल में, तो आपके लिए क्या वो कोई काम का है? बिल्कुल नहीं। उसको वो आपके तभी काम का है जब विद इन 1 आवर 2 आवर व्हाट्सएवर आप उसको जल्दी से डिकोड कर पाए, तो यहीं पे आता है आपका टाइम। ठीक है, कि आप प्रॉब्लम को गिवन एल्गोरिदम, किसी गिवन प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम तो लिख पा रहे हैं या सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो ये सब चीजें इस यूनिट में है, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स एंड कॉम्पिटिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, पॉलिनोमियल, नॉन पॉलिनोमियल, इसी में सब आता है। अब यहां तक जो हम लोग देखे, ये एक तरह से आप बोल सकते हैं ये प्योरली जो है ऑटोमेटा थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, जो हम लोग यहां लिखे ऑटोमेटा है। अब इससे नीचे जो है सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, रन टाइम सिस्टम, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये जो पार्ट है ये कंपाइलर का पार्ट है, प्योर कंपाइलर का। लेकिन कंपाइलर और ऑटोमेटा थ्योरी को आप अलग अलग नहीं दे सकते, क्योंकि बिना ऑटोमेटा थ्योरी पढ़े हुए आप कंपाइलर पढ़ ही नहीं सकते। ग्रामर और पोस्टर्न ऑटोमेटा का आपको नॉलेज होना जरूरी है। इनफैक्ट कंपाइलर क्या है, कंपाइलर इज डिटर्मिस्टिक पोस्टर्न ऑटोमेटा। ठीक है, इसीलिए कंपाइलर और ऑटोमेटा थ्योरी को हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। पहले हम लोग ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ेंगे और फिर कंपाइलर। कोई चाहता है सिर्फ कंपाइलर पढ़े तो कम से कम उसको ग्रामर की नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, सिंटैक्स एनालिसिस जिसमें है एसोसिएटिविटी, प्रेसिडेंस ग्रामर, ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन, टॉप डाउन पासिंग,
रिकर्सिव डिसेंट, प्रेडिक्शन पासिंग, LL1, बॉटम अप पासिंग, LR पार्सल और LALR पार्सल, ठीक है। तो ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। देन सिमेंटिक एनालिसिस में क्या है, एट्रीब्यूट ग्रामर, सिंटेक्स, डायरेक्टेड डेफिनेशंस, इनहेरिटेड एंड सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स, डिपेंडेंसी ग्राफ, इवोल्यूशन ऑर्डर, इज एट्रीब्यूटेड एंड इल एट्रीब्यूटेड डेफिनेशंस एंड टाइप चेकिंग। तो ये थोड़ा बेसिक से ऊपर है, लेकिन क्वेश्चन यहां से भी होते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिर आगे क्या है, रन टाइम सिस्टम में क्या है, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिवेशन ट्रीज, एक्टिवेशन रिकॉर्ड, स्टैक एलोकेशन ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड, पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म, सिंबल टेबल, यहां से क्वेश्चन आएंगे और आते हैं, ठीक है। खासकर पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म, सिंबल टेबल, एक्टिवेशन रिकॉर्ड से, नेट में तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में भी क्वेश्चन सब आते हैं, ठीक है। फिर अगला है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इसमें है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसलेशन ऑफ डिक्लेरेशंस, असाइनमेंट, कंट्रोल फ्लो, बूलियन एक्सप्रेशन एंड प्रोसीजर कॉल्स। तो ये जो है बूलियन एक्सप्रेशन, प्रोसीजर कॉल्स, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, और डिक्लेरेशन। फिर कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन, कंट्रोल फ्लो, डेटा फ्लो एनालिसिस, लोकल ऑप्टिमाइजेशन, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, लूप ऑप्टिमाइजेशन, पीपल ऑप्टिमाइजेशन, इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये लास्ट वाले पोर्शन से थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन डेटा फ्लो एनालिसिस तो वहाँ वो DAG डायरेक्टेड या साइक्लिक का वगैरह सब बना के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन थोड़ा कम आते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑटोमेटा थ्योरी का सिलेबस UGC नेट का, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए। तो आप देख रहे हैं ना ये पूरा कितना बड़ा लिखा हुआ है। अब कोई अगर ऐसे ही इसको बैठ जाए तैयारी करने के लिए, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो 6 महीने 7 महीने के अंदर वो तैयारी करता है। तो इसलिए एक प्रॉपर गाइडेंस के बिना आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा चीज है एक रेगुलरिटी, जो आपको रेगुलरिटी मतलब है, आज सपोज आपने ऑटोमेटा थ्योरी पे 2 घंटे का टाइम दिया, अगले दिन भी 2 घंटे का, अगले दिन भी 2 घंटे का, तो ये रेगुलर है। अब आज एक दिन आप ऑटोमेटा थ्योरी 8 घंटा पढ़े और 15 दिन बैठ गए, फिर 8 घंटा आप पढ़ रहे हैं दूसरी बार, तो इसमें क्या है, एक तो 15 दिन का गैप वो भूलने के लिए काफी है, और दूसरा आप जो एक दिन जोड़िएगा लर्निंग का वो आपका घट जाएगा। लर्निंग कभी मतलब आप चीजों को अच्छे से तभी समझ पाइएगा जब उसमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो होप कि आपको यहाँ तक ऑटोमेटा थ्योरी का सिलेबस समझ में आया होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रॉम DFA, डेटरमिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है।